दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है Xiaomi का सबसे पहला पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान फोन। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पहली बार Xiaomi का एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी औसम बात बनाती है। और साथ में दोस्तों इसका जो वेरियंट्स है ना वो थोड़ी चेंजिंग है। ये Redmi 9C वो वाला नहीं है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, ये एक नया Redmi 9C है। इसके अंदर कुछ जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये पहले भी लॉन्च हो चुका है लेकिन अभी इसको दो कलर्स, दो नए कलर्स के साथ और दो नए वेरिएंट्स के साथ, बल्कि एक नए वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है ना पहले लॉन्च हुआ था लेकिन कुछ स्पेक्स के अंदर डिफरेंस था, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस था और ये जो स्मार्टफोन है कितने का आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है तो उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी और साथ में इसकी जो प्राइसिंग है उसको ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा। और Xiaomi ये दिखाना चाह रहा है कि भाई आने वाले दिनों में आपको मेड इन पाकिस्तान बने हुए फोन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोनी धरती के फोन हमें मिलने वाले हैं और हम जो है उनसे लव यू भी करेंगे और साथ में उनकी प्राइजेस भी कम होगी, तो फिर तो लव यू बनता है। और साथ में दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपको पहले अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ स्मार्टफोन की, डब्बे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या पाकिस्तान में बना है, कुछ चीजें कम तो नहीं कर दी। और साथ में दोस्तों ये भी बताता हूँ कि ये स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो कि अपग्रेडेड है। दोस्तों यहाँ हमारे पास आ चुका है बॉक्स और बॉक्स है ग्रीन कलर के अंदर, मेड इन पाकिस्तान Redmi 9C मेंशन है, Xiaomi का लोगो है। और दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरह की आपको पैकेजिंग देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ हमारे पास हैं पाकिस्तान फ्लैग्स जो कि बैज हैं बेसिकली। और यहाँ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है क्योंकि मेड इन पाकिस्तान Xiaomi का फ़ोन है, तो मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग होगी। और यहाँ हमारा एक फ्लैग देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान का फ्लैग है। और यहाँ दोस्तों हमारे पास मेन फ़ोन आ चुका है, मेन फ़ोन की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। और ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली यहाँ 4GB 128GB वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और अगर इसकी यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें, अंदर इसको खोल लेते हैं और स्पेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ। और ये हमारे पास मेन फ़ोन आ चुका है, ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है जैसे कि भाई 13 MP का 8MP कैमरा है, 6.53 इंच का एक डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है। और यहाँ 200 MediaTek का हीलियो G35 का प्रोसेसर है और हाई कैपेसिटी बैटरी यहाँ बताया जा रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कलर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मज़ीद अगर बॉक्स कॉन्टेंट्स की बात करें, बॉक्स के अंदर कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। पहले डिवाइस की तस्दीक एक वेरीफिकेशन है और ये उर्दू के अंदर है, ये मुझे बात अच्छी लगी। जी हाँ दोस्तों उर्दू के अंदर है। और PTA की इन्फॉर्मेशन और कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं जिसे कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल है और मेन आपको एक चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर देख लेते हैं कितने वॉट का है। दोस्तों इस फोन के साथ 10 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिल रहा है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग नहीं है। और दोस्तों एक आपको मिल रही है माइक्रो USB केबल। जी हाँ दोस्तों इसके अंदर टाइप सी पोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों ये फोन की आपको लुक जो है काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ कलर है जो हमारे पास है। और इसकी कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करें, कैमरा डिपार्टमेंट भी बैक की तरफ वही देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक की तरफ है, Redmi की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ दोस्तों एक माइक्रो USB की पोर्ट है, एक 3.5mm का जैक जो ऊपर वाली साइड पे है। पहले आपको स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन देखने को मिलता है, ऊपर वाली साइड पे वही आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिलते हैं। और फोन जो है एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, MIUI 12 के साथ आता है। अगर दोस्तों बॉक्स कॉन्टेंट्स की बात करें, एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है, एक मिलता है आपको 10 वॉट का चार्जर और एक माइक्रो USB की केबल और ज़रूर पर ज़रूर एक सिम इजेक्टर टूल और साथ में PTA वेरिफिकेशन कार्ड जिसमें लिखा हुआ है कि ये डिवाइस जो है PTA से तस्दीक शुदा है, एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन, एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, मतलब के 3 कापियां और साथ में बहुत से गत्ता और लफाफा मटेरियल। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना बेसिकली ये सेम डिजाइन है, सेम चीज है जैसे 9C आपको अवेलेबल करवाया गया था, लेकिन काफी ऐसे चेंजेस हैं जो कि मैटर करते हैं। जैसे कि इसके 2 डिजाइन आपको नए देखने को मिले हैं, डिजाइन नहीं कहूंगा कलर कहूंगा। दोस्तों इसका जो बैक है ना ये आपको पर्पल देखने को मिल रहा है जो मेरे पास है, और एक इसके अंदर ग्रीन कलर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों जो दोनों कलर्स हैं काफी ज्यादा ऑसम निकल के आते हैं, वही सेम कैमरा है, सेम आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक की तरफ देखने को मिलता है जिसकी स्पीड काफी अच्छी है। फ्रंट की तरफ फेस अनलॉक है जो भी ठीक ठाक चलता है। दूसरे फ्रंट की तरफ अगर डिस्प्ले की बात करें, 720p का IPS LCD डिस्प्ले है और फ्रंट की तरफ आपको 5 MP का एक सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 5 MP सेंसर देखने को मिलता है, सेंसर की क्वालिटी आगे जाके मैं आपको टेस्ट आउट करवाता हूं। और यहां दोस्तों बैक की तरफ 3 कैमरे हैं, मेन जो है वो 13 MP का मेन सेंसर है, 2 MP का डेप्थ है, 2 MP का मैक्रो है और यहां LED फ्लैश आपको देखने को मिलता है।
और यहाँ दोस्तों माइक्रो यूएसबी है, एक लाउड स्पीकर है। अगर दोस्तों मैं मजीद बात करूँ, इसके अंदर हीलियो का G36 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर इसके एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करें, इसके एंड्रॉइड स्कोर जो हैं वो 1,00,000 प्लस आपको देखने को मिले, 1,11,000 इसके एंड्रॉइड स्कोर से। क्योंकि ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है तो इसके आप इतने ही एंड्रॉइड स्कोर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वाइड वन L1 की बात करें, यहाँ L3 का सपोर्ट आप टॉप देखने को मिलता है। मतलब कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो स्ट्रीम कर पाएंगे, जो देख पाएंगे आप, वो है 480p क्वालिटी, आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मजीद अगर बात करें कैमरा रिजल्ट की, आप कुछ पिक्चर्स कुछ फोटोज देख रहे हैं जो मैंने क्लिक किए हैं, आउटडोर इनडोर, जिसे आपको अंदाजा हो रहा होगा इसकी क्वालिटी कैसी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट ठीक ठाक था, लेकिन पोर्ट्रेट का स्लाइडर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ दोस्तों अगर फोटोज की बात करते हैं, फोटोज भी काफी ज्यादा क्रिस्प निकल के आती है, डायनेमिक रेंज सारा कुछ बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है। तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब कि आपको एवरेज फोटोज देखने को मिल रही हैं। और साथ में दोस्तों अगर बात करें बैक की तरफ, जो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो है ना भाई, वो भी काफी अच्छी फोटोज ले पा रहा है। वैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो होता है ना, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी जो है मैक्रो भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। तो अगर वीडियो की बात करें 1080p 30fps ओनली इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये फॉर पबजी लवर्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हैवी किस्म का चिपसेट नहीं दिया गया। यहाँ दोस्तों मीडिया टेक का हीलियो G35 का प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है ना, ये काफी अच्छा काम करता है डे टू डे यूजेज में, लेकिन जब गेमिंग की बात आती है तो ये बहुत अच्छा काम नहीं करता है। दोस्तों बेसिकली ये जो वेरिएंट है ना, ये 4128 का वेरिएंट है, और पहले इसके जो वेरिएंट थे 232 और 332 के साथ लॉन्च किए गए थे, 364 के साथ भी इसका वेरिएंट आया था, लेकिन अभी ये 4128 के वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 23,000 रुपया है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि शाओमी का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो पाकिस्तान के अंदर असेंबल कर रहे हैं फोन। इससे ये होगा कि प्राइस बहुत ज्यादा कंट्रोल होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, और इससे भी अच्छी अच्छी आपको प्राइजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसका फुल रिव्यू मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, उसके अंदर मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको पता है ये वही स्मार्टफोन है जो पहले भी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके कुछ अपग्रेडेशन करके लॉन्च किया गया है। तो आज की वीडियो से इतना ही था, फिर बाजू वीडियो के साथ। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दें। तो आज की वीडियो से इतना ही था, फिर बाजू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।